सूजी से स्टीम्ड किया हुआ एक बहुत ही चटपटा और मज़ेदार नाश्ता जो कि सवेरे के भागदौड़ वाले टाइम के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, उसका रेसिपी आज मैं शेयर करूँगी। इसका तो ऐसे तो सूजी बॉल्स इसको बोला जाता है, पर मैं इसको एक अलग सा फ्लेवर दी हूँ। बहुत टैंगी और चटपटा, और ये इतना लाइट रहता है ना, ये इतना इजी टू डाइजेस्ट रहता है कि आप एक बार इसको नाश्ते के टाइम पे इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो आप इसका एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी रहता है। बहुत वेरिएशंस भी हम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सोस फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं यहाँ पे 2 कप पानी ली हूँ। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप यूज़ की हूँ। आपके पास ना हो तो कोई भी एक स्टैंडर्ड कप घर में ले लीजिए और उसके नाप से ही आप पानी और सूजी डालिए। ताज़ा कूटा हुआ आधे छोटे चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक 1 छोटे चम्मच, आधा इंच अदरक को अच्छे से रेत दी हूँ, और कुटा हुआ सूखा मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स आधे छोटे चम्मच ली हूँ, और तेल कोई भी खाने वाला 1 बड़ा चम्मच। सब चीज़ों को पानी में डाल दूंगी। कुटा हुआ ताजी काली मिर्च, उसका स्वाद इस डिश में बहुत अच्छा आता है। बना बनाया पाउडर कोशिश कीजिए कि ना यूज़ करें। थोड़ा सा ही काली मिर्च लेके उसको इंस्टेंटली कूट के इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो पानी जस्ट उबलने तक का वेट करें, जस्ट उबलना स्टार्ट हो तब। सूजी मैं यहाँ पे ली हूँ 1.25 कप्स, मतलब जिस कप में आप पानी नापें उसी कप में आप 1.25 कप्स या 1 कप और 1/4 भाग उस कप का सूजी लें। धीरे धीरे करके इस पानी में हम डालेंगे, डाल के अच्छे से चलाएंगे, सारा सूजी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब गैस बंद कर लेंगे और छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद देखिए इसको एक स्पून से अच्छे से मिला लूँगी। गैस अभी मैंने बंद कर दिया था, जब सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर लिया था तो गैस बंद कर दी थी, तो उस गर्मी में ना सूजी फूल गया है, फूल के सॉफ्ट हो गया है। तो बस अभी जब इस तरह से अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद एक फैल बर्तन में, चाहे थाली हो चाहे कोई भी ओपन सरफेस में, इसको ले लेंगे ये मिक्सचर को। और अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे, हल्का सा छूने लायक बन जाएगा तब थोड़ा सा पानी हाथों में लेके इसको अच्छे से मसलना शुरू करेंगे। तब तक जब तक ये अच्छे से एक आटे की तरह ना बन जाए, और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल लेते हैं अब उबालते वक्त, तो ये सूजी ना बहुत अच्छे से ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लें और उसको इस तरह से हम हाथों से लंबाई में सिलिंड्रिकल शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए, मैं इसको जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, और इस तरह से करने पे क्या होता है ना, साइज़ से हो जाता है। अब छोटा छोटा इसका हम लोई तोड़ लेंगे, मैं इस ताकि सब सेम हो इसलिए इस तरह से कटर में काट ली हूँ। लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम या आधा इंच साइज़ का, अब कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाफ इंच साइज़ का भी काटेंगे तब भी बहुत अच्छे से मीडियम साइज़ के बॉल्स बनेंगे, और ये बहुत स्मूथ हो जाता है। तो अगर आपका इस स्टेज पे बॉल स्मूथ बनता है तो समझिए कि आपका सूजी बहुत अच्छे से आप उसको साने हैं, नहीं तो थोड़ा सा और सान के दोबारा इसको हम बॉल्स बनाएंगे। तो सारे बॉल्स मेरे बन गए, और मैंने यहाँ पर एक स्टीमर चढ़ाया है स्टीम करने के लिए, नीचे पानी है, और इसको हम स्टीम में पकाएंगे। तो सब बॉल्स को मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगी। लगभग 12 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इसको हम स्टीम होने देंगे। और ये क्योंकि हम इसमें फ्लेवर ऐड किए हैं ना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्टीम होने के बाद भी। तो देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं, और आप देख पा रहे होंगे सूजी का बॉल साइज़ में थोड़ा बड़े हो गए हैं। अब इसको छोड़ दे थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ठंडा होने के लिए लगभग 7-8 मिनट लगा, और ये कितना स्पॉन्जी है। इसको दूर से देखने से कोई बोलेगा कि रसगुल्ला है, पर नहीं, ये एक्चुअली सूजी बॉल्स है। काफ़ी स्पॉन्जी बनता है और बहुत यम लगता है। तो बस हमारे सूजी बॉल्स रेडी है, इसको अब तड़का लगाएंगे। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे घी ली हूँ। तेल मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। राई मैं यहाँ पे ली हूँ आधे छोटे चम्मच, जीरा ली हूँ 1 छोटी चम्मच, कुछ करी पत्ते हैं, 2 सूखी लाल मिर्च है, और थोड़ा सा हींग भी मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाई हूँ, आधे छोटे चम्मच हींग भी इसमें तड़का लगाएंगे। तो पहले घी गर्म होने के बाद सूखा मिर्च डाल देंगे, और सूखा मिर्च जब थोड़ा चटक जाए उसमें राई, जीरा
और करी पत्ता। तो बेसिक एक साउथ इंडियन टाइप का फ्लेवर दे रही हूँ मैं इसको। बहुत वेरिएशंस हो सकता है, पर मैं ये रेसिपी विदाउट ऑनियन गार्लिक का बना रही हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। तो जब तड़का अच्छे से भुन जाए, उसमें मैं इस थोड़ा सा हींग डाल के भून ली, उसके बाद सारे बॉल्स डाल दूंगी। उसके बाद आधी छोटी चम्मच या 2 चुटकी बोल सकते हैं हल्दी, और यहाँ पे थोड़ी सी चीनी, आधी छोटी चम्मच चीनी, फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, ये स्वाद के लिए नहीं है। और यहाँ पे स्टार इंग्रेडिएंट्स हमारा है सांभर पाउडर, एक बड़ा चम्मच सांभर पाउडर मैं डालूंगी। ये डालने के बाद ना डिश का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बहुत अच्छा भीनी भीनी खुशबू आता है। ध्यान रहे इस स्टेज पे फ्लेम पूरा स्लो है, सांबर पाउडर बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। और लास्ट को मैं थोड़ा नमक चखी थी, नमक मुझे कम लगा, मैं नमक डाली। और आधा चम्मच नींबू का जूस, यानी एक बड़ा नींबू का हाफ डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा गैस ऑफ कर दीजिए और चटपटा सूजी बॉल्स नाश्ते के टाइम पे एकदम गर्मा गर्म तैयार है। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला ये सूजी अच्छे से सानना चाहिए, दूसरा स्टीम होना चाहिए, और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सांबर मसाला नहीं जलना चाहिए। साथ में मैं केचप से रखी हूँ और आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना यम लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मसाले को इडली टाइप का लग रहा है, पर ये बहुत हेल्दी होता है। साथ में भीनी भीनी घी का भी स्वाद है, सांबर पाउडर है। बस बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, सांबर पाउडर बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। सूजी बॉल्स डालने के बाद फ्लेम धीमा कर दें और इसे एंजॉय करें, बहुत यमी और बहुत टेस्टी। वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।